हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या कि करुणा बाट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर ₹15,756। तो करुणा ने खरीदा इतने रुपीज़ में 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, ओके, क्योंकि बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए 10 ग्राम मिलेगा इतने में, 15,756 रुपये में। और इस 15,756 में क्या है, वैट भी इंक्लूडेड है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ओके। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया जो टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम? तो जो शुरू शुरू में जो उसका मतलब कि गवर्नमेंट का जो वैट हटा दें, निकाल दें, तो उसका रेट पर 10 ग्राम कितना होगा गोल्ड का, ओके, हमें वो निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको मान लेना पड़ेगा कि रेट लेट लेट दी लेट द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ओके, सॉरी एक्स रुपीज़ नहीं होगा, ये परसेंटेज में होगा। तो नहीं, रुपीज़ में होगा, ओके। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम? तो मान लिया हमने एक्स। तो अब हमें करना क्या है कि इस एक्स में इंक्लूड किया गया है 1% वैट, और यदि एक्स 1% वैट यदि इंक्लूड कर देंगे तो आ जाएगा वो किसके बराबर, इतने के बराबर, 1,500, सॉरी 15,756। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सी पी ऑफ 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, कास्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीदी थी, तो 15,756 रुपीज़ में खरीदी थी, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम है, एक्स है, एक्स में यदि हम ऐड करें एक्स का 1%, ओके, 1% निकाल कर इसमें ऐड कर दें, तो वही यही इसी को बोलेंगे कि ये वैट निकाल लिया हमने। इस वैट निकाल करके वैट को ऐड कर देंगे, जो हमारा रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम है इसमें ऐड कर दिए, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा सीपी के बराबर जो कास्ट प्राइस है, ओके, क्योंकि सेल्स टैक्स को जोड़ना ही होता है या फिर वैल्यू एडेड टैक्स को जोड़ना ही होता है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपन 100 इक्वल टू सीपी कितना है, लिख दीजिए यहाँ पे, तो 15,756। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 101x/100 इक्वल टू, ये हो जाएगा 15,756। तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 15,756 इंटू 100/101। तो 101 से यहाँ पे डिवाइड ही करना पड़ेगा इतने में, तब यह पाएगा, क्योंकि हम लोग इसको नहीं जानते। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए, 15756 को डिवाइड कर दीजिए 101 से, कितने बार जाएगा, पहली बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 101, ये बचा 6, यहाँ बचा 5, ये कट गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर अब फिर से 5 बार में जा सकता है, तो 5 × 5 500 ही, 5 × 5 सॉरी, हाँ 5 × 5, ओके, यहाँ 0 हो गया, 6 हो गया, ये कट जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, तो अब 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 606, यहाँ कट गया, मतलब कि 156 डिवाइड करने पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 156, लेकिन ये 00 भी है, तो यहाँ 00 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा। तो ये हो गया इतना रुपीज़, यही है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, या फिर जो बोल सकते हैं यहाँ पर रेट रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम, ओके। तो यही आंसर आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।